हिमाचल प्रदेश को देव भूमि कहा जाता है। कहते हैं कि यहाँ पर देवताओं और ऋषि मुनियों का वास है। पर क्या आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में एक जगह ऐसी है जिसे छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। मंडी शहर को छोटी काशी कहा जाता है। अपनी प्राचीनता और मंदिरों की अधिक संख्या के कारण ये शहर छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश की काशी जहां गंगा के तट पर बसी है, वहीं ये शहर ब्यास नदी के तट पर बसा हुआ है। जितने मंदिर काशी में हैं, उससे अधिक मंदिर यहां पर मौजूद है। यहां पर गंगा आरती की तर्ज पर ब्यास आरती की शुरुआत की गई और इस परंपरा को अब निरंतर जारी रखा गया है। जिस दिन ब्यास आरती होती है, उस दिन घाटों पर कुछ रौनक सी नजर आ जाती है। के छोटी काशी का मतलब विद्वता से मतलब माना जाता है। बड़ी काशी वहाँ है और वैसे ही जो है यहाँ नदी, वहाँ गंगा है, यहाँ ब्यास जी है, वहाँ भी वैसे मंदिर बने हैं। घाट के किनारे यहाँ भी वैसे मंदिर है, अद्भुत, एक से एक अद्भुत मंदिर है। तो यहाँ भी विद्वानों के कारण से जो है इसका नाम जो है बहुत प्रचलित था और छोटी काशी। मंदिरों की अगर बात की जाए तो छोटी काशी मंडी में भगवान शिव के मंदिर सबसे ज्यादा हैं। यही कारण है कि यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती का निवास माना जाता है। यहाँ बाबा भूतनाथ, अर्ध नारीश्वर, पंचवक्त्र, महामृत्युंजय, एकादश रुद्र, नीलकंठ, त्रिलोकीनाथ, त्रामपति और शिव रुद्र जैसे मंदिर प्रमुख रूप से शामिल हैं। बहुत पहले यहाँ जो कोलसरा चट्टान है हमारी, वहाँ मांडव ऋषि तपस्या करते थे और उन्हीं के नाम से मांडव्य नगर बना। बाद में ये व्यापारिक संस्थान बना क्योंकि यहाँ से नमक वगैरह बाहर जाते थे और लाहौल स्पीति अपना मतलब पश्चिम आती थी तिब्बत वगैरह से, और इस तरह से यहाँ व्यापार का केंद्र बनने के कारण मांडव्य नगर को मंडी कह दिया गया। छोटी काशी की महत्ता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देश के प्रधानमंत्री भी यहाँ की देव संस्कृति से भली भांति परिचित हैं। यहाँ के लोग खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं क्योंकि उन्हें छोटी काशी में रहने का मौका मिला है और यहाँ के प्राचीन मंदिरों को रोजाना देखने का अवसर उन्हें प्राप्त होता है। कुमाऊं की लाइफ लाइन कही जाने वाली गौला नदी अभी भी खनन के लिए नहीं खुल सकी है, जिसकी वजह से सरकार के राजस्व को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। यही नहीं, हजार मजदूरों और क्रशर संचालकों के साथ साथ वाहन स्वामी के सामने रोजी रोटी का संकट मंडरा रहा है। तो 7,500 डंपर है और लाखों लोग इसमें जुड़े हुए हैं, नुकसान तो हो ही रहा है। सरकार भी चिंतित है, सरकार चाह रही थी इस बार गंभीर थी कि जल्दी खुले, कांटों का मामला कोर्ट में चले गया क्योंकि सरकार को भी इससे राजस्व का नुकसान हो रहा है, स्थानीय लोग तो बेरोजगार है। गौरतलब है कि उत्तराखंड सरकार ने इस बार मानसून सत्र के बाद गौला नदी को 1 अक्टूबर से खोलने का आदेश दिया था, लेकिन खनन निकासी में लगने वाले टोल कांटों में टेंडर को लेकर हुए विवाद का मामला हाईकोर्ट पहुंच जाने के बाद अभी तक नदी से खनन बंद पड़ा है।